नमस्कार, क्यू वाइव नेटवर्क में आपका स्वागत है। हम पत्रकारिता में निष्पक्षता, ईमानदारी और पारदर्शिता के पक्षधर हैं और इन मूल्यों पर प्रतिबद्ध हैं। आपके लिए हम लेकर आए हैं आज की कवर स्टोरी, सवालों के साथ मैं आपकी बेटी। जी हाँ, मैं ही हूँ वो जिसे आपकी राजधानी में सरेराह हैवानियत का शिकार बनाया गया। कार के पहियों में तड़पती रही मेरी जिंदगी और कार दौड़ाते रहे 5 रईस ज्यादा। पहले उन दरिंदों ने मेरी स्कूटी में टक्कर मारी और फिर कई किलोमीटर तक वो मुझे घसीटते रहे, जब तक कि मैं मांस के लोथड़े में तब्दील नहीं हो गई। जाहिर है आपको यहाँ मेरे साथ हुई ऐसी और दरिंदगियां याद आई होंगी। हाँ, मैं ही तो हूँ निर्भया, मैं ही तो हूँ श्रद्धा, और मैं ही हूँ आपकी वो बेटी जो कभी एसिड अटैक का शिकार बनती है, कभी जला दी जाती है, तो कभी मनचलों का सामना करती है। आज पूछने आई हूँ आपसे एक सवाल, आखिर कब तय होगी मेरी सुरक्षा, आखिर कौन करेगा मेरी सुरक्षा, और आखिर किससे चाहिए मुझे सुरक्षा। आंकड़े कहते हैं कि दिल्ली में पिछले 6 महीने में आपकी 1100 बेटियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न के मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले साल के आंकड़ों की तुलना में दिल्ली में आपकी बेटियों के खिलाफ अपराध के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। 15 जुलाई 2022 तक आपकी 1100 बेटियों के साथ कथित रूप से दुष्कर्म के मामले सामने आए हैं। 2021 में 15 जुलाई तक 1033 बेटियों के खिलाफ दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न अपराध के मामले दर्ज किए गए थे। इस साल के आंकड़ों की 2021 से तुलना करें तो इसमें 6.48% की बढ़ोतरी हुई है। हर बार मेरे साथ दरिंदगी घटती है, आप अंदर से हिल जाते हैं, आपको गुस्सा आता है, लेकिन ये गुस्सा मेरी सुरक्षा को पुख्ता क्यों नहीं करता। 10 साल हो गए आपकी बेटी निर्भया के साथ घटी उस खौफनाक घटना को, लेकिन मेरी सुरक्षा है कहाँ। निर्भया कांड के बाद महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े कानून बनाने के दावे किए गए। साल 2013 में केंद्र सरकार ने अलग से निर्भया फंड बनाया, जिसका मकसद राज्यों को महिला सुरक्षा पुख्ता करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना था। इस फंड का उपयोग राज्य सरकारों और पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए व्यापक कदम उठाने के लिए किया जाना था, लेकिन क्या हुआ। महाराष्ट्र की ही बात करें तो जून 2022 में मुंबई पुलिस ने निर्भया फंड के तहत 30 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए और आरोप है कि इस पैसे से वहां VVIP सुरक्षा के लिए वाहन खरीदे गए। मैं पूछती हूँ, ये मेरी सुरक्षा में इस्तेमाल किए जाने वाला पैसा आखिर किसकी सुरक्षा पर खर्च हो रहा है। सरकार सुनिए, पुलिस सुनिए, न्यायपालिका सुनिए, मेल पब्लिक सुनिए, आपकी बेटी को देश की राजधानी में घर से बाहर निकलने में डर लगता है। आप फिर मुझे उस 4 दीवारी में समेटने जा रहे हैं, जबकि मैं एक ऐसा सुरक्षित समाज चाहती हूँ जहाँ मेरे सपनों को पर मिले और मैं ऊंची उड़ान भरूं। लेकिन इसके उलट चीजें बद से बदतर होती जा रही हैं और मेरी सुरक्षा एक दूर का सपना बनकर रह गई है। क्या आपको नहीं लगता मेरी सुरक्षा की प्रतिबद्धता आपकी प्राथमिकता में होनी चाहिए। आप मुझे बेटी कहते हैं तो मेरे प्रति आपको जिम्मेदार बनना होगा, अन्यथा आप इसी तरह आए दिन मुझे खोते रहेंगे, और अगर बचा नहीं सकते तो बेटी बचाओ के नारे लगाकर कोरे सपने दिखाने का नाटक बंद करिए। नमस्कार, क्यू वाइव नेटवर्क के लिए मैं रिचा।